आज का सुसंस्कार प्रमोद भावना, 12 तरह की भावना होती, जिसमें चार मुख्य भावना में से एक अति मुख्य भावना है प्रमोद भावना। प्रमोद भावना का अर्थ यह हुआ किसी व्यक्ति में गुण देखें, किसी व्यक्ति में अच्छाई देखें, किसी व्यक्ति के अचीवमेंट को देखें। कोई व्यक्ति परोपकार करता है और लोक कल्याण करता है, जगत कल्याण करता है, ऐसा कार्य करने वाला को जब हम देखते हैं तो हमारे बीच में अच्छी भावना आनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए, उसकी हमें खुल करके प्रशंसा करनी चाहिए, उसका हमें प्रमोशन करना चाहिए, उसका मान बढ़ाना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। ये सारी प्रमोद भावना है। जब हम किसी व्यक्ति की योग्यता को स्वीकार करते हैं वह प्रमोद भावना कहलाती है, और प्रमोद भावना करने से ये गुण हमारे भीतर आता है। उसकी जगह क्या होता है, कई लोग नकारात्मक भाव के होते हैं तो किसी की तरक्की को देख करके वो ईर्ष्या करते हैं, और ईर्ष्या करके जब वो नेगेटिव साइड में चले जाते हैं तो वो उस व्यक्ति को गिराने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति किस तरीके से जो है जो तरक्की कर रहा है उस तरक्की को रोका जाना चाहिए। और ऐसे घर के लोग भी करते हैं, बाहर के लोग भी करते हैं, ऐसा करने वाले स्वयं जो है अपने लिए खड्डा खोदते हैं और वो स्वयं उसमें गिरते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी चाल से चलता है, अपने जो है मर्यादा में चलता है और अपनी तरक्की करता रहता है तो ऐसे व्यक्ति को किसी तरह की हानि नहीं है। उसके प्रति अप्रमोद भावना रखने वाले हानि उनको होती है, और जो लोग प्रमोद भावना रखने वाले होते हैं वो हमेशा प्रसन्न होते हैं, उनमें अच्छे अच्छे हार्मोन्स आते हैं, उसमें अच्छे अच्छे विचार आते हैं, उनके जो शरीर के अंदर ताजगी होती है, उनको मानसिक शांति मिलती है और वो खुश रहते हैं, और उस खुश रहने के कारण उनका व्यक्तित्व जो है निखर जाता है।